नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय भिवंडी की एक बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि एक दीवार गिरने से चार बच्चों के साथ में एक बुजुर्ग यहां पर जख्मी होता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल हम जहां खड़े हैं, ये चौहान कॉलोनी का एरिया है, और बता दें कि एक शादी का हॉल है, ख्वाजा गरीब नवाज शादी का हॉल है। यहां पर ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी रेस्क्यू चल रहा है महानगर पालिका की टीम के साथ में। खासकर यहां के स्थानिक जो हैं वो जुटे हुए हैं, क्योंकि ये जब दीवार यहां पर गिरी तो आपको बता दें कि ठीक उसके पीछे ये गली है, उस गली में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लोग अपने कपड़े धो रहे थे। कितने लोगों के घरों में ये दीवार जाकर गिरा, जिसके कारण आपको बता दें कि कई महिलाएं भी यहां पर जख्मी हुई है। विशेष तौर पर ये पूरी घटना जो है भिवंडी के चौहान कॉलोनी की है। यहां पर फिलहाल अभी रेस्क्यू चल रहा है, महानगर पालिका की टीम पहुंचकर यहां पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि पूरा मामला ये है कि यहां पर जेसीपी के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि ये जो जेसीपी है, इसके माध्यम से यहां पर जो शादी का मंडप था, जो यहां पर स्टेज था, उसे तोड़ा जा रहा था। लेकिन यहां के स्थानिकों का मानना ऐसा है कि बिना किसी सूचना, बिना किसी जानकारी के जो है ये स्टेज यहां पर तोड़ा जा रहा था, जिसके कारण पीछे की जो गली थी वहां पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई थी, तैनात नहीं की गई थी, जिसके कारण आपको बता दें कि दीवार की चार बच्चों और एक बुजुर्ग के ऊपर गिरने से वो लोग गंभीर रूप से जख्मी है, जिसके नज़दीकी स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में भेजा गया है। यहाँ की स्थानिक जो है हमारे चैनल से बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी, क्या काम आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन आगे की जो भी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल जुड़े रहे सच की आवाज़ न्यूज़ के साथ। दीवार कैसे गिरी? ये दीवार गिराया गया है, गिरी नहीं है। जब ये किरण गाड़ी वाला आया है तो उसको बोलना चाहिए कि मैं तोड़ रहा हूँ, तो हम भी हमारे सुरक्षा के लिए हम भी अपना इंतजाम करके रखते थे ना, कि ये इसने ना कि तोड़ने से पहले कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट गाड़ी लेके आके तोड़ दिया। किसी को खड़ा किया गया देखने के लिए, यहाँ पे कोई जख्मी भी हुआ क्या? अरे बाबा, पांच जन पूरे जख्मी हो गए, एक का तो सर दम फोड़ गया, बीच में हाथ टूट गया, पूरी सलाई हूँ मैं भी, जख्मी हूँ देखो, ये पूरे दोनों पांव फंस गए थे मेरे, ना बच्ची अंदर थी, आज अभी तो एक बच्ची को पूरी सलाई घुस गई, पूरी पीठ में सलाई, कंबर में सलाई, पैर में सलाई। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, आईजीएम हॉस्पिटल में, कुछ भी नहीं, गाड़ी आई है। दूल्हा दुल्हन का जो मंडप है ना, वो गिराने आए थे, लेकिन वो उन लोग की जो गिराने आए थे उन लोग की लापरवाही है ये, जो पीछे इन लोग ने सेफ नहीं किए, आदमी लगा के उन लोग ने सेफ करना चाहिए थे ना। दो चार को खड़ा तो करना चाहिए था, दो चार को खड़ा करके तो करवाना चाहिए था, कोई नहीं देखने वाला। तो एडमिन का काम क्या, दीवार को धक्का लगे या आजू बाजू वाले, वो बोलना चाहिए, उसका काम है उसका, और उसको वो दीवार टूटी, पूरा बच्चे लोग दब गए, किसी को मार लग गया, और किस चार बच्चे एक एक आदमी है भाई, पाँच लाख टूटा, अभी फिर भी खोल रहे हैं, अभी देख रहे क्या है क्या नहीं है। हाँ, देखो यहाँ इनको भी मार लगा, ये यहाँ कपड़ा धो रहे थे। एक एक करके बोले, लोगों को समझ नहीं, बोले एक एक करके, बीच में मत बोलो, समझ नहीं पाएंगे लोग। मैं क्या बोल रही वो के जैसे ये दीवार तोड़ने का आर्डर तुमको आया तो तुम्हारा क्या काम है, उधर पर्दा लगाना था, इधर पर्दा, एक भी बच्चा इधर आता नहीं था, है ना। अभी नल का टाइम है, यहाँ पानी भर रहे, कपड़ा धो रहे, अचानक से तुमने वहाँ से गिराए दीवार, पूरे घर में बच्चे, चार बच्चे दब गए, हाँ, सबको दवा खाना लेके भागे, एक को तो यहाँ सलिया घुसी है, एक का तो पूरा सर फट गया आदमी का, तो ये ऐसा ऐसा करना चाहिए क्या, हाँ, कितना नुकसान हुआ इधर। टोटल पांच लोग जख्मी हुए यहाँ पर, पांच जन, पांच जन में बच्ची भी है, चार बच्चे हैं, एक बड़ा आदमी है।